प्रिय दोस्तों, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम भाग 9 का प्रथम ईयर के सभी ट्रेड का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को हम पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 142, पोर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलोग्राम वजन वाले तांबे के पर द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तांबे का विशिष्ट ऊष्मा 0.09 है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सही है, 1152 kcal। प्रश्न नंबर 143, उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडियंस, कंडक्शन और कन्वेंशन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं, उनको इंसुलेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 144, इनमें कौन सा ऊष्मा रोधक है? ये तो सब कोई जानता है, लेकिन अच्छी तरह से इसको जानकारी कर लीजिए कि ऊष्मा रोधक क्या है। थर्माकोल, ऑप्शन नंबर ए, थर्माकोल। 145, प्रश्न नंबर 145, किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? ठोस बर्फ में, ऑप्शन नंबर ए, ठोस बर्फ। प्रश्न नंबर 146, ऊष्मा रोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? तन्यता, ऑप्शन नंबर डी सही है, तन्यता। प्रश्न नंबर 147, रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है? देखिए कौन सा है, थर्माकोल तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका ये होगा आंसर पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 148, प्रश्न नंबर 148 में देखिए, इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मा रोधक है? कांच, ऑप्शन नंबर ए सही है, कांच। क्वेश्चन नंबर 149, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? गलनांक में, ऑप्शन नंबर बी, गलनांक। प्रश्न नंबर 150, एल्युमिनियम का क्वथनांक क्या होता है? 660 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए, 660 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 151, एल्युमिनियम का गलनांक क्या होता है? 2519 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 152, पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 153, मर्क्यूरिक पारे का क्वथनांक क्या होता है? -38.72 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 154, मर्क्यूरिक पारे का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है 357 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 155, बल या थ्रस्ट और इकाई क्षेत्र का अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर यानी दाब सही है। प्रश्न नंबर 156, एक बार का समतुल्य पास्कल मान क्या होता है? 105 पास्कल, ऑप्शन नंबर ए सही है, 105 पास्कल। प्रश्न नंबर 157, देखिए, दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल, ऑप्शन नंबर बी सही है, पास्कल। प्रश्न नंबर 158, कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी सही है, जनरेटर। प्रश्न नंबर 159, धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, एम्पियर। प्रश्न नंबर 160, है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, ऑप्शन नंबर सी सही है, ओम। प्रश्न नंबर 161, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? धारा, ऑप्शन नंबर बी सही है, धारा। प्रश्न नंबर 162, पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध सही है। प्रश्न नंबर 163, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? तांबा, ऑप्शन नंबर ए सही है, तांबा। प्रश्न नंबर 164,
कौन सा खनिज इंसुलेटर है? माइका। ऑप्शन नंबर सी सही है, माइका। प्रश्न नंबर 165, प्रश्न नंबर 165 देखिए, यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम की 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध बराबर क्या होता है? भी बाई आर, आई बराबर भी बटा आर। तो हम हल कर सकेंगे, 9 प्लस 5 बटा 3 इज इक्वल टू हो जाएंगे 17, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, 17 ओम। प्रश्न नंबर 166, प्रश्न नंबर 166 देखिए, 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है भी बाई आर, भी बाई आर, जो भी होता है आर, ओम 4 है और भी हो 6, तो 6 को ऊपर करेंगे और 4 को नीचे करेंगे। अब इसको कटाएंगे तो इसका आंसर निकलेगा 1.5 ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न नंबर 167, 4 ओम और 6 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो जोड़ तो आप लोग जानते ही हैं, अच्छे बच्चे हैं तो जानते ही हैं कि ओम को 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 को हम कैसे जोड़ेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से एलसीएम निकालना जानते हैं, तो जब एलसीएम निकालेंगे तीनों का, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, और क्या करेंगे, 4 से हम 24 में भाग देंगे, तो 4 6 के 24, 6 4 के 24, 8 3 के 24, 6 4 10, 3 13 बटा में 24। ऑप्शन नंबर सी सही है, 13/24। प्रश्न नंबर 168, क्या सर्किट में प्रतिरोध को सीरीज कनेक्शन के कनेक्शन में समान होता है? धारा में, लाइन किस में आती है, विद्युत किस में आता है? धारा प्रवाहित जब होती है तो धारा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही है ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, धारा। प्रश्न नंबर 169, प्रश्न नंबर 169 देखिए, कौन सा नियम कहता है कि नियत समय पर बंद परिपथ से गुजरने वाली धारा विभवांतर के समानुपात तथा प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होती है? किसमें होता है? ओम का नियम में, ओम का नियम, ऑप्शन नंबर ए सही है, ओम का नियम। प्रश्न नंबर 170, प्रतिरोध क्या है? आई बराबर 11.5 एम्पीयर, भी बराबर 380 वोल्टेज, आर बराबर हमें व्हाट, यानी कितना ओम होगा, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 33 ओम। प्रश्न नंबर 171, प्रश्न नंबर 171 देखिए क्या दिया हुआ, व्हाट इज द करंट, यानी धारा क्या है। आर बराबर 50 ओम, भी बराबर 220 वोल्टेज, आई बराबर व्हाट, यानी आई बराबर क्या होता है, एम्पस को मेरे को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.4 एम्पियर, 4.4 एम्पस, यानी एम्पियर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 172, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है? R बराबर 250 ओम्स, I बराबर 0.44 एम्पियर्स, भी बराबर वोल्टेज को पूछ रहा है क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 110 वोल्टेज।